हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से मुंगड़ा सॉन्ग के बारे में। मैंने इसका रिव्यू दिया था और याद होगा आपको, मैंने 2-4 दिए थे इस गाने को। कई लोगों ने मुझे गालियां दी, कई लोगों ने बकवास की, लेकिन अगर जो बात मैं अभी कहने जा रहा हूँ वो बात से आप सभी भी इत्तेफाक रखोगे। जी हाँ, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है किसी फिल्म मेकर से, किसी डायरेक्टर से, किसी म्यूजिक प्रोड्यूसर से, किसी से भी मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। ना तो मैं किसी से दुश्मनी निकालने की कोशिश रखता हूँ, क्योंकि मैं उतना छोटा सोचता नहीं हूँ और आप लोग जो मेरे फैमिली मेंबर्स की तरह मैं आपको ट्रीट करता हूं, और इसलिए मैं आपसे कभी धोखा या बोलते ना बेवफाई नहीं करना चाहता हूं। फिलहाल चलिए बात करते हैं कि क्या सीन हुआ है। मुंगड़ा गाना रिलीज होते ही इसके बारे में कई सारे नेगेटिव ट्रोलिंग चालू हो गई और गाना वैसे भी कुछ खास नहीं था। और आखिर में 2 ऐसे लोगों ने इस गाने के बारे में बोला है जिसके बातों पर आप भी कहीं ना कहीं यकीन रखोगे। आपको बता दूं, ये फिल्म 1978 फिल्म इनकार का गाना है, जिसमें विनोद खन्ना स्टारिंग थे, लीड थे, और इस मुंगड़ा गाने को म्यूजिक दिया था राजेश रोशन ने, जो राकेश रोशन के भाई है, और यानी कि ऋतिक रोशन के है ना चाचा लगे, समझ गया ना। और यहां पर सीन क्या है कि इस गाने में स्टारिंग थी, आपको पता है स्टारिंग कौन थी, हेलन जी थी, और इस गाने को गाया था उषा मंगेशकर ने, ठीक है, मंगेशकर सिस्टर जो लता मंगेशकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर है ना, तो उषा मंगेशकर ने गाया था। उषा मंगेशकर को जब इस गाने के बारे में पूछा गया कि भैया ये जो रिमेक हुआ है आपकी क्या राय इस गाने पर, उन्होंने साफ साफ कहा कि इसे मनमाने ढंग से बनाया गया है और कुछ खासा उन्हें नहीं लगा गाना। मनमाने ढंग से बनाया गया मतलब ऐसे ही बना दिया गया, भैया कुछ नहीं तो बना देते है ना, तो इस तरह से बातें सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ बात करें राजेश रोशन की, जिन्होंने म्यूजिक किया था ओरिजिनल सॉन्ग में, उनका कहना है कि आज के टाइम में ऐसा लग रहा है कि कोई मेहनत करना नहीं चाहता है, क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं कम हो गई है और हर कोई बस लगा पड़ा है ना। और उषा मंगेशकर ने यह भी कहा कि बिना पूछे गाने रिमेक्स हो रहे हैं, किसी का परवाह क्या करते हैं, परमिशन लेने ली जा रही है, जो बिल्कुल सही नहीं है। और यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि जो फिल्म डायरेक्टर्स है बॉलीवुड के आजकल के, उनका जो क्रिएटिवनेस था गानों को लेकर वो कहीं ना कहीं कम हो गया है, और यही रीजन है कि ये सब चीजें हो रही है। आपको बता दूं, ये पहला गाना नहीं, इसके पिछले साल एक गाना आया था, याद होगा आपको, 1-2-3 गाना था, कितनी वाहियत तरह से फ्लॉप हुआ था, जैकलिन फर्नांडिस पे फिल्माया गया था। यही नहीं, कुछ और भी गाने आए हाल फिलहाल में जो बहुत अच्छे नहीं, इवन अफलातून सॉन्ग को भी फालतू तरह से रिमेक किया गया है, बट वो भी फिर भी चलेगा। बट दिस सॉन्ग मुंगड़ा और 1-2-3 1-2-1-2-3 इज लाइक क्रैप। और यहाँ पे एक और सॉन्ग जो था इस फिल्म का, टोटल धमाल का, पैसा ओ पैसा, उसे भी बहुत अच्छी तरह से फिल्माया नहीं गया, बट सिर्फ वो कहीं ना कहीं सूट भी होता है फिल्म के हिसाब से। ये तो ऐसा लगा कि भैया घुसेड़ दिया गया गाना मुंगड़ा। आई थिंक थिंग्स नीड्स टू बी अंडरस्टैंड बाय द मेकर्स कि भैया पुराने गानों से सबका सेंटीमेंट जुड़ा है, ना कि फिल्म डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर या म्यूजिक प्रोड्यूसर जो भी है, लेकिन आम जनता का भी वो गाना देखोगे आप, मैंने उस रिव्यू में भी कहा था मुंगड़ा के, और ये गाना देखोगे तो जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा और आपको खुद पता लगेगा कि यार ये कैसे गाना है। तो ऐसा गाना बनाने के बाद रिलीज करने की हिम्मत कैसे कर पाते ये लोग, वहां साउथ इंडस्ट्री में तमिल फिल्म की जो बात करा था मैंने दो दिन, कल ही न्यूज बताया, परसों बताया था, वर्मा करके एक फिल्म थी, पूरी की पूरी शूट हो चुकी थी, ठीक है, और वो शूट होने के बाद डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को, सबको लगा, प्रोड्यूसर को लगा कि ये फिल्म ढंग की बनी नहीं है तो हम वापस से रीशूट करेंगे। जो वहां पर फिल्म रीशूट हो रही है, यहाँ पे गाने रीशूट नहीं कर सकते आप लोग, वाहियत गाना दे दिया मार्केट में, इस लोग घूम रहे एंजॉय कर रहे, ऊपर से कुछ ब्लाइंड फैन, एकदम ही अंधे फैन है, उनको अक्कल नहीं है कुछ किसी तरह की, बोलते सूर्या तू कैसा है, तू गलत है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हम तेरे को अनसब्सक्राइब कर, अबे कर दे अनसब्सक्राइब, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, लेकिन झूठ नहीं बोलने वाला हूं 1% भी। अब मुझे भी बुरा लगता है जब मैं किसी फिल्म को लेकर किसी कोई चीज का अगर टिका टिप्पणी करता हूँ, मुझे बिल्कुल बुरा लगता है, क्योंकि फॉर मी सिनेमा इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए अगर कुछ अच्छी नहीं बनती ये बात तो बुरा लगता है। किसी दाल चावल घर में अच्छा नहीं बनता तो आप शांति से खा लेते, लेकिन बार बार जब दाल चावल अच्छा नहीं बनेगा तो एक बार तो बोलोगे ना भैया ये दाल चावल बरोबर बन नहीं रहा है ना। तो सेम वही है, गाने अगर अच्छे नहीं है आपके पास तो रिमेक गानों की लगाओ मत ना, वाट फिल्म में गाने मत डालो ना, काय के लिए गाने डालते, पब्लिक को एंटरटेनमेंट करने के लिए ना, ये पब्लिक एंटरटेनमेंट नहीं होगी, पब्लिक गुस्सा करेगी तो उस गाने का क्या मतलब है। चलिए फिलहाल इतना ही।